प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उग्र हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में कटोरा रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी के द्वारा किया गया। धर्मशाला के कोतवाली बाजार से डीसी कार्यालय तक रैली भी निकाली गई। इस दौरान आप युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटियाल सहित अन्य प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बेरोजगारों के लिए कोई नीति ना बनाने के चलते प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए लोगों का भी सही आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। बेरोजगारी की वजह से लोग परेशानी हो रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। अनूप केसरी ने कहा कि प्रदेश के लोगों में उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देने की नीति तो बनाई है, लेकिन उद्योगों द्वारा इस नीति को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लगता है कि उद्योगपतियों के साथ सरकार की सांठगांठ है, जिसके चलते नीति विपरीत काम करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनूप केसरी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी तथा इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हर जिला में संगठन को खड़ा कर दिया गया है और जल्द ही महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्टी बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल के इलेक्शनों को लेकर अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी पूरी दम के साथ हिमाचल में चुनाव लड़ेगी और इसी के तहत 2020 से ही संगठन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था और आज पूरे प्रदेश में हमारा संगठन, हर एक विधानसभा में हमारा संगठन बनके तैयार हो चुका है और आज हम सड़कों पे भी आपको आम आदमी पार्टी दिखाई देने लगी है। पिछले महीने 26 को भी जो इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, उससे पहले भी हमने किसानों के ऊपर राज्यपाल जी को शिमला में ज्ञापन दिया था और हमने नोटा का आह्वान किया था और उसी नोटा की वजह से बीजेपी को मंडी की लोकसभा की सीट गवानी पड़ी, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के आह्वान पर 12,500 के करीब हमारे पार्टी के समर्थकों ने नोटा को वोट डाला। क्षेत्रीय संगठन बोलता है कि वो उनके आह्वान पे जो है नोटा का बड़ा, तो ये तो अपना अपना आंकलन है। हम तो केवल हमने तो गवर्नर हाउस के सामने अनाउंस किया था, बाकी जो भी को कहना चाहते हैं उसको तो हम रोक नहीं सकते, कोई मर्जी कुछ बोल सकते हैं। 68 की 68 पर लड़ेंगे या फिर बिल्कुल 68 की 68 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी आने वाले समय चुनाव लड़ेगी। गठबंधन किसी से कोई गठबंधन नहीं। बात करें आप आज बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, आपको लगता है महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जो आम आदमी के उसमें क्षेत्र में आता है? हफ्ते बाद ही बेरोजगारी, जैसे आज हमने इसके ऊपर प्रदर्शन किया है, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, जितने भी पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं उसके ऊपर आपको आम आदमी पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में महंगाई के ऊपर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। हिमाचल में लोग, जो जनता है, वो बीजेपी कांग्रेस की भ्रष्ट नीति से त्रस्त हो चुकी है, वो तीसरा रास्ता देख रही है और आम आदमी पार्टी उनको एक विकल्प दे रही है और जैसा कि हम जनता में जा रहे हैं उनका सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी 2022 में यहाँ पे चमत्कार करके दिखाएगी, ये मेरा मानना है। क्या एजेंडा रहेगा अगर 2022 की?